क्या हुआ अम्मा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ सर? बहुत कोशिश करने के बाद भी दोपहर से पहले की टिकट नहीं मिल रही। अच्छा चलो, जो भी मिल रही है वो करवा दो। ठीक है सर, और मैंने आपका सामान गाड़ी में रखवा दिया। हाँ ठीक है, मैं ऑफिस का काम निपटा कर वहाँ से एयरपोर्ट निकल जाऊँगा। सर खैरियत तो है, आप इतनी इमरजेंसी में जा रहे हैं? हाँ सब खैरियत है, बस एक ज़रूरी काम है। ठीक है सर, अपना ख्याल रखिएगा। ओके। आ गए बेटा? वही हुआ ना जिसका डर था। मिर्जा साहब अहमी मुबारकबाद नहीं दे रहे थे मुझे। जलील करवा के रख दिया मुझे हर आदमी के सामने। सारे माँ बाप अपनी बेटियों को कुछ ना कुछ देते हैं बेटा, तुमने तो बस इस एक बात को अपने सर पे सवार कर लिया। शादी से खुश नहीं हो तो की क्यों थी? जबरदस्ती की थी किसी ने तुम पर? सुरैया खाला और सला बाजी भी आ गई हैं। अच्छा आतिफ, इस दफा अरसला के साथ कोई बदमजगी नहीं होनी चाहिए। अब बख्श दो उसे खुदा के। तो क्यों आई है? बोले ना क्यों आई है? चैन से बैठी रहती अपने उस शीश महल में, दुआ करने आ गई थी। अच्छा बस, वो तुम्हें क्या कह रही है बेचारी? और तुमने भी तो सारी दुनिया की दूसरी लड़कियों को छोड़कर उसकी बहन का इंतखाब किया शादी के लिए। किस लिए? उसको नीचा दिखाने के लिए? उसको तकलीफ देने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मां, नहीं मां, अच्छी लगती है मुझे। ये तो वक्त ही बताएगा बेटा। लेकिन देखो, अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी शादी में शरीक रहूं तो तुम्हें अरसला के साथ अपना रवैया ठीक रखना होगा। वो बेचारी कितने दिन रहेगी? चली जाएगी कुछ दिन बाद, उसे रहने कौन देगा? बहुत अच्छी है आपकी भेजन अरसला बाजी, जिन्होंने आपको भेज दिया, वरना आप कहाँ आती? यहां से तो कोई लेने जाने वाला था नहीं आपको। अरे क्यों नहीं था जाने वाला? मैं खुद जाने वाला था कराची। वो तो तबीयत खराब हो गई मेरी बेटा, अब ताकत नहीं है मुझे। कोई बात नहीं अब्बा, आप बस अपना ध्यान रखें। जीती रहो। एक तुम ही हो जिसे मेरा ख्याल रहता है बेटा। वो कार्ड तो मैंने खुद पोस्ट किया था। हैरत है कि अभी तक नहीं पहुंचा भाई। अर्जेंट सर्विस पे करवाया था मैंने खास तौर पर। वो आजकल डाक का सिस्टम ही कुछ खराब हो गया है, बीच में ही रह जाती है सारी डाक। तो अरसला बाजी को अपने घर आने के लिए कार्ड की क्या जरूरत है? आप लोगों ने फोन नहीं किया था क्या? गुड्डू आ तो कहीं हो ना। अच्छा अब्बा, आप मुझे बताएं कि शादी की सारी तैयारियां हो गई है ना? कोई कमी पेशी तो नहीं? अरे नहीं बेटा, किसी बात की कोई कमी नहीं हुई। सारा जहेज तो पहुंच गया है सुरैया के घर, और बड़ा खर्चा करवाया है मां बेटी ने मेरे मना करने के बावजूद। अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नईमा ने तो हद ही कर दी, बहुत लालची है वो, और अम्मा ने भी उसको मना नहीं किया। तुम्हें किसने कहा है बीच में बोलने को?
शाम को मेहंदी है, जाओ जाके केटरिंग वालों को देखो। तुम्हारा भी कोई फर्ज है, शिकायतें बाद में आके लगा लेना। अच्छा अम्मा जा रहा हूँ। अर्सला बाजी, शादी के बाद काफी दिन रुकना है आपने, मैं बहुत सारी बातें करनी है आपसे। ठीक है, बस आ रहा हूँ। अब बताएं, जब मैं आई थी तो घर में किस बात का झगड़ा हो रहा था, और जब से नईमा कमरे में क्यों बंद है? अरे कुछ नहीं हुआ उसे, बस दिमाग खराब हो गया, औकात से ज्यादा छोड़ गया। बेटा मैं, तुम बताओ बीजान कैसी है? भाई बड़ा एहसान किया है उन्होंने हम पर, 5 लाख भेज दी, बहुत बड़ा दिल है उनका। बेटा अब इस मुलाजमत को छोड़ने की गलती मत करना, यहीं काम करती रहना। अच्छी मुलाजमत किस्मत से मिलती है। हाँ जी, खुद खर्च, पैसे के साथ साथ खुशियां भी खा गई उसकी। आतिफ पर सिर्फ अर्सला का हक था, वो मंगेतर था उसका बचपन का। नईमा बेटा दरवाजा खोलो। नईमा बेटा दरवाजा खोलो। अपने अब्बा को तो तुम जानती हो बेटा, वो तो हमेशा ऐसे ही ऐसे हैं, जो मुंह में आता है बोल देते हैं। तुम भी तो आगे से जिद करती हो ना, क्या जरूरत थी आगे से जबान चलाने की? सारी बुराई मुझ में ही है अम्मा। अब आ गई है ना उनकी लाडली अजीम बेटी, जिसने उन्हें घर पे बिठा के रखा है, अब वो खुश रहेंगे। लगता है जैसे इस घर में जलील करने के लिए सिर्फ मैं ही बच गई। बाकी तो शर्म ही नहीं आती है, ना खुद से ना औलाद से। अगर शर्म वाली होती ना तो बाप है तुम्हारा, कुछ तो लिहाज करो। अरे वो तो हमेशा से ही ऐसे हैं, इसका ये मतलब नहीं जो तुम्हारे मुंह में। आप मुझे मतलब ना समझाएं। अब्बा ने जो कुछ भी मुझे अभी कहा है ना, वो जिंदगी भर ना मैं भूलूंगी और ना मैं माफ करूंगी। सिर्फ पैसे के पुजारी, अभी उनको ये गम खाया जा रहा है कि इतना सारा पैसा मेरे हाथ से निकल क्यों रहा है। उनका बस्ता चलता तो मुझे भी अर्सला की तरह कई काम पे लगवा चुके होते, 2 पैसे बनाने की मशीनें मिल जाती ना। ऐसा नहीं है नईमा, तुम गलत समझ रही हो बेटा। ऐसा ही है माँ, कि मैं अर्सला जैसी नहीं, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अर्चला बेटा। जी अब्बा। इस घर में मैं ही हूं, तुम्हारे हुए कमाए हुए पैसों की कदर करने वाला। मुझे एहसास है इस बात का, ये हमारी खातिर तुम कितनी मेहनत कर रही हो, लेकिन तुम्हारी माँ और नईमा ऐसे नहीं सोचती। ये नहीं होता कि किसी की मेहनत से कमाई हुई रकम आप बेदर्दी से उड़ा दें। नईमा को जरा एहसास नहीं है तुम्हारी मेहनत का, तुम्हारे पैसे का। छोड़े अम्मा, पैसे भी अब वो जाने वाले हैं, हमें तो बस यही दुआ करनी चाहिए कि वो अपने घर में खुश रहे। अरे खुश की नहीं रहेगी, लाखों का जहेज जो लेके जा रही है सुरैया का तो
घर भर गया है बेटा हमारे सामान से, और इस बार तुम्हारी माँ भी पीछे नहीं रही। अपनी बहन का मामला था ना, इसलिए आतिफ की तो जैसे किस्मत खुल गई है। वैसे भी ऐसे कौन से हीरे जड़े हैं उसमें? आप गुस्सा ना होगा, नईमा की किस्मत में जो था वो उसे मिला है, बस आप परेशान ना हो। परेशान कैसे ना हो बेटा, तुम्हारी तनख्वाह आधी से ज्यादा कमेटियों में चली जाती है, और सारी की सारी कमेटियों की रकम खर्च हो गई है, और अब इन 5 लाख में से भी हिस्सा मांग रही है नईमा, धमकियां दे रही है। कैसी धमकी है? अरे छोड़ो, बकवास करती है वो, तुम बस ऐसा करो, खुद कह दो उसको बस अब, और तुम उसे कुछ नहीं देने वाली। अरे बेटा ये पैसा बचेगा तो हम सबके काम आएगा, हाँ? और वो हाँ, अपनी माँ की बातों में भी मत आना, हाँ? और ये बात तो अब्बा भूल ही जाएं कि वो 5 लाख रुपए वो खुद अकेले हजम कर जाएंगे। ना हिस्सा लिए बगैर मैं यहां से जाऊंगी नहीं, बता दीजिएगा आप ये बात अब्बा को। मैं वादा करती हूं तुम्हें वो पैसे मिल जाएंगे। अरसला कभी भी इनकार नहीं करेगी, क्योंकि ये पैसे तुम्हारे अब्बा के नहीं है, और अरसला को वो इनकार कर ही नहीं सकते। तुम 1 के बजाय 2 लाख ले जाना, लेकिन बस अब किसी से झगड़ा मत करना, अरसला से भी नहीं। आखिरकार बेटा वो तुम्हारी बहन है, कि ये चंद दिन तुम मोहब्बत से नहीं रह सकती? मैं उससे मोहब्बत नहीं कर सकती अम्मा, सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि अपनी नफरत का इजहार कम से कम करूं, हालांकि वो भी आसान नहीं है मेरे लिए। अच्छा ठीक है, छोड़ो ये सब कुछ, वो शाम की तैयारी कर लो, बाहर मेहंदी लगाने वाली आके बैठी है। बने तो दिल ही मार दिया है मम। मैंने कहा ना बस करो बेटा, बस ये 2-3 दिन जल्दी से गुजरे, मैं आतिफ के साथ कहीं दूर चली जाऊं जहां पे सरसला खसाया ना हो। और इस घर से तुम्हें और भी कुछ चाहिए तो वो तुम्हें सिर्फ अरसला ही दिला सकती है। अपने अब्बा से उम्मीद मत रखना, क्योंकि वो इस वक्त जिद पे आए हुए हैं। अबे ओ ओए लड़के, ओए ओ क्या नाम है तुम्हारा? ओ यार क्यों आस्ता आस्ता काम कर रहे हो? जल्दी करो ना, टाइम कम रह गया अब, और ठीक से करो। ओ मेहंदी वाला वो किधर है? लड़का कौन कर रहा है? ओ इसको तैयार करो यार, जल्दी करो। आ जाओ, बाहर क्यों खड़ी हो? बहुत प्यारी लग रही हो, और ये जोड़ा भी बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे पर। खाला ने खास तौर पर मेरे लिए बनवा के भेजा। आतिफ को पीला रंग पसंद है ना? तुम्हें भी तो पीला रंग पसंद था, तुम भी ये पहन रही हो आज? नहीं, मेरे पास इस रंग का कोई जोड़ा नहीं है। इस तरह का तो बिल्कुल भी नहीं जो शादी पर पहना जाए।
वैसे भी मुझे हिरण पसंद नहीं है। मैं समझी थी कि तुम मेरी शादी में नहीं आओगे, लेकिन तुम आ गए। क्यों नहीं आना चाहिए था? तो तुम बेहतर बता सकती हो। मैंने वैसे भी तुम्हारे साथ कोई खास अच्छा सलूक नहीं किया था, पता ही नहीं मां। कराची में इंसान इतना मसरूफ हो जाता है कि फजूल बातें याद ही नहीं रहती, अपने आप को ही भूल जाता है बंदा। क्यों, वहां पे रहने वालों का दिल नहीं है या तुम्हारा किसी और पर दिल आ गया? क्या मतलब? अरसला, अरसला, ये देखो सुरैया बाजी ने तुम्हारे लिए जोड़ा भेजा है, बहुत खूबसूरत है। उन्होंने कहा आज यही पहनना है तुमने। खाला ने मेरे लिए जोड़ा भेजा है, दिखाएं। अरसला ये जोड़ा नहीं पहनेगी। क्यों, क्यों नहीं पहनेगी अरसला ये सूट? तुम यही सूट पहनोगे और जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, मेहमान आ गए। मेरी बात सुनो, बैठो। जो जोड़ा तुमने खाला को भेजा था वो उन्होंने नहीं पहना, आतिफ ने उसे जला दिया। आतिफ कोई भी चीज तुम्हारी कबूल नहीं करना चाहता। कोई भी चीज? हाँ वो यही कहता है। फिर तुम खाला का दिया हुआ जोड़ा कैसे पहन सकती हो? तुम्हें भी तो बुरा लगना चाहिए ना। तुम बस ये नहीं पहनोगे, ठीक है? नहीं माँ, दरअसल बात है कि अब मुझे किसी चीज का बुरा नहीं लगता। अगर खाला चाहती है और इस चीज में खुश होती है कि मैं उनका दिया हुआ जोड़ा पहनूं, तो मैं पहनूंगी। बड़ा रुपया खर्च कर दिया साबिर, और जहेज भी इतना दिया जितना मोहल्ले की किसी बेटी को नहीं मिला। और अब ये तकरीबात, हाथ रोक के खर्च करो, समझ रहे हो ना? अभी मिर्जा साहब, इन औरतों को कौन समझाए? बस जो ठान ली सो ठान ली। नईमा और उसकी माँ ने तो बस खर्चा ही खर्चा करवा दिया। अरे तो जरूरत क्या थी अपनी लगाम इन औरतों के हाथ में देने की? ये तो मर्दों की अकल चौपट करने में माहिर होती हैं। माफ करना भाई साहब, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या करें मेरे साहब, अब तो गलती हो गई है ना। आतिफ तैयार हो गए बेटा? जी अम्मी। माशाल्लाह चश्मे बद्दू मेरा बच्चा, इतना प्यारा लग रहा है, नजर ना लगे किसी की। तुम पता है तुम्हारे बचपन से मैं ये ख्वाब देखती आई हूँ, और आज अल्लाह ताला ने उस ख्वाब की ताबीर दिखा दी मुझे। खुश रहो बेटा हमेशा, तुम और नईमा सदा शादाबाद रहो। चले मैं, आपका कोई ख्वाब तो पूरा हुआ, मुकम्मल ना सही आधा अधूरा ही सही। चले चलो भाई, मैंने तो अपने घर में शादी के जिक्र पर भी पाबंदी लगा रखी है। चौथा साल है मेरी नवासी को सऊदी अरब गए। मिर्जा साहब, अब आपकी फैमिली जैसे फरमाबरदार कहाँ मिलते हैं? इल्जाम दो अपनी बेवकूफी को। ये वक्त था कुछ पैसा जमा करने का, दोनों हाथों से लुटाने का नहीं। भाई कह देते कि मैं अरसला की शादी पहले करूंगा, चार पांच साल तो इसी में निकल जाते। आप भी वैसे कमाल करते हैं मिर्जा साहब,
यानी अब दे रहे हैं मशवरा, जब पानी सरों से गुजर गया। अरे मशवरा देता है बंदा तो वक्त पर देता है ना। अरसला की नजरों में भी आपकी इज्जत गिर गई होगी, उसकी हकतरफी हुई है ना, और फायदा हुआ है सुरैया और उसके बेटे को। फिदा भाई जल्दी करें, चाय लेके आ जाए, मेहमान आ गए। अरसला बाजी आप यहाँ खड़ी हैं, सुरैया खाला ही बुला रही हैं आपको। खाला आ गई है, गुड्डू फिर तुम चाय का देख लो। अच्छा अस्सलाम वालेकुम खाला। क्या हाल आपका, कैसी हैं? अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, हर वक्त अल्लाह ताला से तुम्हारे लिए दुआ मांगती हूँ मैं। कितनी प्यारी लग रही है, आपको बहुत याद करती हूँ मैं कराची में। मैं भी तुम्हें बहुत याद करती हूँ बेटा, तुम तो अब हमसे इतनी दूर चली गई हो कि चाह के भी तुम्हारे पास नहीं आ सकती। कराची कौन सा इतना दूर है, जब दिल करता है आ जाए करें। कौन लाएगा मुझे तुम्हारे पास, क्या बात है, फितना भी नहीं कर सकता। कितना अच्छा लग रहा है ना ये जोड़ा तुम पर। शुक्रिया तुमने मेरा भेजा हुआ जोड़ा पहन लिया, ना मैं तो डर रही थी कि कहीं तुम भी वही हशर ना करो जो तुम्हारे भेजे हुए। जो क्या मतलब, समझी नहीं? नहीं कुछ नहीं, चलो बाहर चल के बैठते आ जाओ। अरे अर्चना तुम यहाँ खड़ी हो, अपने अब्बा के कमरे से मिठाई के डब्बे ले आओ, रस्म का वक्त हो रहा है। और हाँ नईमा को भी साथ ले आना। जी आए ना सुरैया बाजी, बाहर चलते, रस्म का टाइम हो रहा है। और देखे तो सही, सब लड़कियों ने इतना शोर मचाया हुआ, आसमान सर पे उठाया हुआ है। आए आए तो मैंने खुद पोस्ट किया था, हैरत है कि अभी तक नहीं पहुंचा भाई। अर्जेंट सर्विस पे करवाया था मैंने खास तौर पर। आजकल डाक का सिस्टम ही कुछ खराब हो गया है, बीच में ही रह जाती है सारी डाक। आतिफ
खुदा जोड़ी सलामत रखे। बहुत प्यारे लग रहे हैं दोनों, अल्लाह नजर बद से बचाए। आमीन। अर्सला वहां कहां बैठी हो? अपने बहनों से मेहंदी लगवाई नहीं लोगी? अरे हाँ अर्सला, तुम वहां क्या कर रही हो? यहाँ आओ। पर चलो अर्सला, आतिफ भाई को मेहंदी लगाते हैं, फिर उनकी उंगली टाइट से पकड़ लेना ताकि वो छुड़वा ना सके। ठीक है, ऐसे भी ठीक है। चलो हाथ दो आतिफ। आतिफ भाई तैयार हो जाए, आज तो आपकी जेब खाली करवा के रहेंगे। हाँ पैसे। सोच क्या रहे आतिफ भाई, निकालिए पूरे 10,000 रुपए, उससे ना ही 1 रुपया ज्यादा और ना ही कम। अगर ना दूं तो फिर अर्सला सारी रात आपकी उंगली पकड़ के बैठी रहेगी और हम भी नहीं जाएंगे यहाँ से। और अगर सारी उम्र भी ना दूं तो? बस बहुत हो गया, अब काउंटडाउन स्टार्ट है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। ये क्या हरकत है भाई, हाथ क्यों छुड़वा दिया? मैंने कहा छोड़ा, वो तो खुद ही। छोड़ी तो दिया अर्चना। गुड्डू ठीक कह रहा है। हाँ अर्चना, ये क्या किया तुमने? अब इतना बड़ा नुकसान हो गया हमें, कुछ भी नहीं मिलने वाला। ऐसा कैसे हो सकता? पहली दफा किसी ने कुछ मांगा है, देना तो पड़ेगा। अरे वाह, ये मेरे हो गए, हम जीत गए। कितने मिले? पता नहीं। मैं भी आई। मैं जानता था तुम यहीं हो, हमेशा की तरह। नीचे बहुत घुटन हो रही थी इसलिए ऊपर आ गई। जा रही। क्यों किया तुमने मेरे साथ? बोलो क्यों किया तुमने हमारे साथ ऐसा? मुझे नीचे जाना है, मेरा हाथ छोड़। क्या मेरी मोहब्बत की तुम्हारी नजर में जरा सी भी अहमियत नहीं थी? कि तुमने इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश नहीं की अर्सला? तुम्हारी खामोशी ने हमारे इस रिश्ते को बर्बाद कर डाला है। जानते हो आतिफ, जिस रिश्ते में सफाइयां देनी पड़ जाए ना, वो रिश्ता नहीं रहता, खुशफहमी बन जाता है। और खुशफहमी जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा होता है।
अब हटो यहाँ से क्योंकि मुझे जाना है। अब तुम आराम करो नईमा, काफी देर एक ही पोजीशन में बैठी रही हो, कमर तो अकड़ ही गई होगी तुम्हारी। जब इंसान खुश होता है ना तो उसे थकन का एहसास नहीं होता, और मैं तो आज बहुत ही खुश हूं, कुछ ज्यादा ही। अल्लाह तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखे। अच्छा अर्सला, आतिफ तुमसे क्या कह रहा था? मैंने खुद देखा था कि वो तुमसे कुछ कह रहा था जब तुम उसका हाथ पकड़कर इतनी देर तक बैठी रही थी। मैंने कोई आतिफ का हाथ वाथ नहीं पकड़ा था, वो तो वही फजूल। तुम छोड़ो नहीं मां, अपने आप को इतना मत थकाओ। दो दिन बाद शादी है तुम्हारी आतिफ से, अगर अपने दिल में इस तरह के वसवसे लेके बैठोगी तो आगे की जिंदगी कैसे चलाओगी? अर्सला मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे और आतिफ के बीच में क्या चल रहा है? क्योंकि अगर तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है तो मुझे क्यों ऐसा लगता है कि ना चाहते हुए भी तुम दोनों अभी तक एक दूसरे से मोहब्बत करते? नहीं मैं पागल हो गई, तुम्हें कितनी दफा बता चुकी हूँ मेरे और आतिफ के बीच में कुछ नहीं है। इस वक्त कौन है? दुनिया भर के माँ बाप अपने बच्चों की शादियों पर पैसे खर्च करते हैं, तुम्हारी तरह जान नहीं देते पैसे पर। तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे हिसाब किताब से। मैं तुम्हारी कमाई नहीं खर्च कर रही, अपनी बेटी की कमाई खर्च कर रही हूँ। अर्सला के पैसे पर मेरा हक है, तुम्हारा नहीं है शहनाज। ये तो मेरी अकल मारी गई थी जो मैं नईमा और आतिफ की शादी पर राजी हो गया। तुम दोनों मां बेटियों के पीछे लग गया, मैं सारा पैसा सारा पैसा बर्बाद कर दिया। जी तो चाह रहा है कि तुम लोगों का मैं वो हशर करूं और उस लफंगे आतिफ की बारात दरवाजे से वापस भेज दूं। छोड़े अर्सला बाजी, यहां तो ये मामूल का किस्सा है, पैसों पर हर वक्त की चिकचिक है। पता नहीं ये खुशहाली अच्छी है या पैसों की तंगदस्ती। मैं देखकर आता हूं। जी किससे मिलना है आपको? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने आपको पहचाना नहीं, आप शायद गलत एड्रेस पे आ गए। नहीं मैं सही एड्रेस पर आया हूँ, साबिर साहब से मिलना था। ये उन्हीं का घर है ना? घर तो उन्हीं का ही है, मेरे अब्बा हैं वो। आपका नाम? आपका नाम क्या बताऊं सर? आपका नाम पूछा है मैंने। वो मुझे नहीं जानते लेकिन मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है भेजता हूँ। जी फरमाइए। साबिर साहब जी
लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। और वैसे भी ये कोई वक्त तो नहीं है किसी शरीफ आदमी के घर आने का। बहुत माजरत चाहता हूँ साबिर साहब, फ्लाइट थोड़ी डिले हो गई और एयरपोर्ट से आते आते भी खासा वक्त लग गया। अगर बात इतनी ज़रूरी ना होती तो मैं कभी भी आपको इस वक्त तकलीफ ना देता। कहाँ से आए आप? आपने अभी तक अपना तारुफ नहीं करवाया। जी मैं शाहराम हूँ और मैं कराची से आया हूँ। अगर आपको एतराज़ ना हो तो क्या हम गाड़ी में बैठ के बात कर सकते हैं? कोई खास बात है? खास तो है लेकिन मुश्किल नहीं। अगर आपने समझ लिया तो चंद मिनट लगेंगे।